अगर पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे नहीं वीडियो बनाने आए थे, और नहीं पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे कि क्योंकि बोले जाए कितना बड़ा मेहंदी का पेड़ है, हाथ में चढ़ा है तो यहाँ पे भी चढ़ेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल में अंजलि चौहान ऑफिशियल 777 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में बताएगा कि कैसे हैं। ऐसा नहीं ये मेरी आदत है, जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, कोई खड़ा रहता था तो बात करती थी कुछ किसी पॉइंट पे, तो ऐसे कहती थी अरे वो बतिया ना, अरे हम तो जानते नहीं सच्ची। अरे वो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो जब मुझे उठाते थे लोग कि कुछ क्वेश्चन करते थे तो हम ऐसे करते थे हाथ से ऐसे करके, मतलब ऐसे ये चीज यहाँ पे ऐसे करके, तो मेरे सर बोलते थे बहुत, कहते थे कि ये हाथ से मत बताओ, हाथ मत चलाओ, हाथ का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ जुबान से बताओ मुंह से। हम तो मैं शर्मा जाती थी, बड़ा बेइज्जती होता था मेरा स्कूल में लेकिन अभी भी वही है, क्या करेंगे। डांस में शुरू से एकदम डांस गाना बजाना इसी में दिल दिमाग लगता था। मैक्सी पहन के ही चली गई थी। ये देखा ये देखा देखा जल्दी जल्दी ये देखा ये देखा ये देखा अच्छा क्या करने, देखने के लिए बहुत बेकार बेताबी था इसीलिए मैक्सी में चली गई देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताबी था। रे बाप जा कर देख रहे हैं, खड़ी होकर वहीं पे देख रही हैं, मार्केट में आना जाके मैक्सी पहन के। हां अंजलि दीदी के हस्बैंड, अंजलि दीदी के हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड ठीक है पहले मेरे साथ की शादी होगी हां। अच्छा बंदर सी होगी क्या? आज तुमको पढ़ा के भी सुनाते हैं। हेलो सॉरी मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी पहुंच आई हूँ अपनी फ्रेंड के वहाँ, यहाँ पे सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा मेहंदी का पेड़ है, तो मैं अब कुछ अलग नहीं है काफी, ये पहले मैं ये रखती थी लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ मेहंदी का पत्ता वो सील पे पिसवा के रखने के लिए। ये देखो अच्छा हाँ इधर से हाँ दिखा दिए, देखिए कितना बड़ा मेहंदी का पेड़ है। पंकज लेते चलो ना उखाड़ के, घर पे लग जाएगा, यहाँ पे कोई लगाता नहीं है। कौन कौन ऐसे सुरका है मेहंदी, मतलब मेहंदी लगाया है सर में, बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है तुम्हें सुरखोगी? देखिए आप लोग एक पॉलिथीन में ले सुरुक ली, ये मेरे सर में बहुत ही ज्यादा रुचि है ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो भाभी बोल रही है एक दली दरावा रूसी रहती है सब, और एक धनी वाली रूसी रहती है सब, जो आमदनी सिर्फ टपकाती है, एक मार करवाने भैया देखो साइकिल चला ले रही हूँ मैं, दन दीजिएगा अगर चला लेंगे तो हमको दे दीजिएगा, फिर गिफ्ट करेंगे, आप बोले है ना ठीक बा लाइए फिर। सो फ्रेंड्स तो टिकटॉक के टाइम में एक बार ये भैया यही भैया सिखा रहे थे मुझे कौन सा स्कूटी सिखा रहे थे ठीक है, अरे चला लेते लेकिन हाथ पैर मेरा कांपता है, लेकिन देखते हैं चला लेती हूँ कि नहीं। अच्छा चला लेती ठीक है फिर, उधर मैं नहीं बैठा के नहीं चला पाऊंगी मैं, चलाने का ढंग तो है नहीं, मुड़ाने का ढंग नहीं है, चलाने का ढंग नहीं है, चलाने आता है इनको, हाथ छूट गया ना। अरे मरी मैया, अरे बाप रे बड़ी बड़ी भारी भारी जाता है, पानी है क्या हुआ, पैर अप लग गया, सही हुआ, बहुत सही बहुत सही, पानी हम लेके जाते हैं सही लगा जी। अरे बाप बाप झूठ लगा तो फ्रेंड तो हम लोग सर लाए हैं ना बथुए का साग, लेकिन सरसों
अभी नहीं अच्छा सरसों का साग नहीं है तो मैं सरसों नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग चुराएंगे क्या, अगर पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे नहीं वीडियो बनाने आए थे, और नहीं पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे कि क्योंकि बोले जाए नहीं मर देखा दे रही किनारे किनारे जा जाओ प्लीज आप आ सकते हैं आइए ये बोल दे हल्ला नहीं हेलो हां मटू देखो पंकज इधर उधर गोभी इतना अच्छा लग रहा है ना हाय फ्रेंड उधर देखिए एक तीर से दो निशाने छिम्मी और बथुआ अरे भाभी भगी भागो भागो भाभी अरे भाभी अरे भाभी इतना खोद लिया इतना चप्पल रखिए अरे नहीं हो चप्पल क्यों रहे पहले बा अरे क्यों चप्पल चुपला तो हो गई कौन खाएगा उसको अरे रुकिए भाई तो फ्रेंड्स मेहंदी मैं अम्मा से ये पिसवा ली हूँ सील पे, और ये अम्मा सुबह ही पीस दी है, और अभी इसमें इसमें मैं नींबू डाली हूँ, और देख लीजिए आप लोग इसमें आधा काट के आधा कतरी नींबू डाल दी हूँ इसमें, देखते हैं सर में, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा रूसी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूसी है, आपको दिखाया था, देखिए नीचे गिर रहा है कितना, देखिए दिख रहा है ना सर में तो ऐसे इसको मिला के थोड़ा सा मैं आधे ने एक घंटे तक ऐसे ही रख दूंगी, उसके बाद लगाऊंगी सर में मतलब बाल में, और एक घंटे के लिए अभी मैं रेडी हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा लिपस्टिक एकदम तैयार हूँ, तो मैं जा रही हूँ रील शूट करने, तब आधे घंटे के बाद लगाऊंगी इसको, अलाव रख दिया जाए ठीक। सो फ्रेंड्स तो मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ, अम्मा भाभी ये लोग हैं नहीं, वहाँ घर बन रहा है तो सारे लोग वहीं पे हैं, नहीं तो मैं भाभी लोग से रखवाती और हाथ भी मेरा रेड हो जाएगा मुझे लग रहा है, पहले मैं पॉलीथीन लगा के हाथ में तब लगाती थी, हाँ ये देखो आप लोग, देखते हैं रूसी से ख़त्म होती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रूसी भी रहते हैं उससे भी बात झड़ता है, गंदा ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स तो मैं लेंथ में भी लगा रही हूँ, आप लोग देख लो कैसा लग रहा, टकली हो गई मैं अब देखिएगा इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, मैं कभी अपने बाल में जैसे नहीं होता है कोई निशा मेहंदी लगाता है कोई नूपुर लगाता है, मैं आज तक ये सब नहीं लगाई है, टिकटॉक में बिजी हो गई, फिर अभी इंस्टा में इस काम में तो छोड़ दी थी, फिर मैं स्टार्ट की हूँ ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है मैं आप सभी को धुलने के बाद दिखाऊंगी ना, तो उतना कलर पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद लगाया है सर में ये, क्योंकि दो तीन बार जब हो जाएगा तब इसका कलर पता चलेगा, बहुत ही सुंदर आता है ये देखो, जब हाथ में चढ़ा है तो यहाँ पे भी चढ़ेगा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए मेरे सर में की मेहंदी सूख गई है, और अब जा रही हूँ मैं इसको वॉश करने धुलने, अब देखते हैं, और टाइम देख लीजिए आप लोग 6:15 हो रहा है 6:15 हो रहा है,
मैं तो आप सबको अपना रूम भी नहीं दिखा पाई क्योंकि एक चीज़ अच्छा हो रहा है तो दो चीज़ बुरा हो रहा है, पता नहीं। जब मैं दिखाने वाली थी आप सबको ये अपना रूम तो वो मेरा चैनल ही हैक हो गया था, उसी वीडियो में दिखाने वाली थी, तो देख लीजिए अच्छा है, इसी में रहती हूँ मैं। तो देख लीजिए अब मैं जा रही हूँ घूमने। मैं हीटर के पास बैठ के सुखाई थी, बैठ के नहीं वहाँ पे लेट गई थी, मैं पालथीन लगाई थी वो देख लीजिए, तकिए के पास तकिए पालथीन रखी थी, फिर सो गई थी। तो फ्रेंड्स तो देख लीजिए मैंने हेयर को वॉश कर लिया है और मैंने सिर्फ सादे पानी से बाल को धुला है, शैम्पू यूज़ नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप तत्काल में आप लोग शैम्पू यूज़ कर लेंगे तो वो जो कलर एक होता है ना वो कलर को काट देता है, जो एक जो मेहंदी वाली जो कलर है हमारे हेयर में वो जल्दी काट देगा। काटने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कलर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए। तो अब ये मैं अब आप लोग देख लो, अभी बाल सूखा नहीं लगे, मैंने थोड़ा चोटी कर लिया है। तो अब मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में दिखाऊंगी आप सबको अपने बाल का कलर, ठीक है। कलर आया होगा वो तो पता है मुझे लेकिन अभी नहीं दिखेगा, बाल जब सूखेगा और धूप में दिखेगा, उजाले में दिखेगा। अब ओके मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये मेरा जो भी टेक्निक है उपाय है आप सबको कैसा लगा, और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।